नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वायरलेस आईक्यू क्लासेस में। आज हम बात करने जा रहे हैं एग्ज़ाम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, खेल और उससे जुड़े खिलाड़ियों के बारे में। दोस्तों, मुझे खेल और खिलाड़ियों से एग्ज़ाम में दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, तो इसी पर आज का हमारा सेशन रहने वाला है। एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं, इसी पर आज का हमारा सेशन रहने वाला है, खेल और उससे जुड़े खिलाड़ियों के बारे में। तो चलते हैं आज के सेशन पर। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलते हैं आज के अपने सेशन पर। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है कि किस देश ने 1975 में पहला क्रिकेट विश्व कप आयोजित किया था। हमारे ऑप्शन है ए दक्षिण अफ्रीका, बी इंग्लैंड, सी न्यूजीलैंड, डी ऑस्ट्रेलिया। जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड। दोस्तों, इंग्लैंड ने 1975 में पहला क्रिकेट विश्व कप आयोजित किया था, मतलब कि इंग्लैंड में पहला विश्व कप आयोजित हुआ था। और इस विश्व कप के जो विजेता थे वह थे आपके वेस्टइंडीज की टीम। ऐसे और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पहला विश्व कप क्रिकेट विश्व कप हुआ था उसके विजेता कौन से हैं। वेस्टइंडीज ने पहला विश्व कप खिताब अपने नाम किया था। और इस टीम के कैप्टन थे आपके क्लाइव लायर्ड। कौन थे? क्लाइव लायर्ड। और इस जो पहले खिताब में उपविजेता थी, जो पहला विश्व कप हुआ था, इसकी उपविजेता टीम थी ऑस्ट्रेलिया। कौन सी थी टीम? ऑस्ट्रेलिया। और इस टीम के कप्तान थे इयान चैपल। कौन थे? इयान चैपल। तो आपने यह देखा कि 1975 में पहला क्रिकेट विश्व कप इंग्लैंड में आयोजित हुआ और यह जो खिताब है वह वेस्टइंडीज ने जीता, और इसका जो उपविजेता रहा वह ऑस्ट्रेलिया रहा। अब हम बात करेंगे ये सारे देश जो हैं उनकी करेंसी और कैपिटल के बारे में। तो पहली जो कंट्री है उसका नाम है दक्षिण अफ्रीका, और इसका जो कैपिटल है इसकी तीन कैपिटल हैं। कौन कौन सी? प्रिटोरिया, ब्लोएम फाउंटेन और आपकी केप टाउन। और यहाँ पर जो करेंसी चलती है वह रैंड चलती है। क्या चलती है? रैंड। इसी प्रकार अगला जो देश है वह है इंग्लैंड। इंग्लैंड की राजधानी जो है, कैपिटल जो है वह है लंदन। और जो इंग्लैंड में करेंसी चलती है वह पाउंड चलती है दोस्तों, पाउंड। और इसी प्रकार अगर हम बात करें न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड की जो कैपिटल है वह है वेलिंगटन। क्या है? वेलिंगटन। और यहाँ जो करेंसी चलती है वह न्यूजीलैंड डॉलर। क्या चलता है? न्यूजीलैंड डॉलर। अगर अगले देश की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। और यहाँ पर जो करेंसी चलती है वह ऑस्ट्रेलिया डॉलर चलती है। क्या चलती है? ऑस्ट्रेलिया डॉलर चलती है। और दोस्तों, एक बिल्कुल हूबहू मिलता हुआ देश है, इसका नाम कुछ बहुत ज़्यादा कुछ मिलता है, वह है ऑस्ट्रिया। इसमें स्टूडेंट को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया में। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वह है कैनबरा, इसी तरह ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर अपने। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे अधिक बार संतोष ट्रॉफी जीती है। हमारे ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी पंजाब, सी उड़ीसा या ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। जी हाँ दोस्तों, जो पश्चिम बंगाल है ना, उसने संतोष ट्रॉफी सबसे अधिक बार जीती है। और क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बनता है और इसके अलावा हुआ बनता है कि संतोष ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है, तो यह फुटबॉल से संबंधित है। यह ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है।
यह जो ट्रॉफी है इसकी शुरुआत जो है 1941 में हुई थी। कब हुई थी? 1941 में। और इसका जो पहला विजेता बना था वह बंगाल बना था। तब बंगाल संयुक्त था, अब पश्चिम बंगाल हो गया, उस समय बंगाल था। और जो यह जो बंगाल की टीम है इसने यह ट्रॉफी 32 बार जीती है। कितने बार दोस्तों? 32 बार। और दूसरे नंबर पर आता है पंजाब का नाम, इसने यह ट्रॉफी 8 बार जीती है। और तीसरे नंबर पर आता है आपका केरल और गोवा संयुक्त से तीसरे स्थान पर है। इन्होंने यह ट्रॉफी 5 5 बार जीती है, केरल और गोवा ने। तो चलते हैं अपने इनके कुछ और इनके बारे में जानते हैं। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वह मुंबई है, मुंबई। और महाराष्ट्र में जो सीएम है वह है उद्धव ठाकरे। कौन है? उद्धव ठाकरे, उद्धव ठाकरे। और यहाँ पर जो राज्यपाल है वह है भगत सिंह कोश्यारी, भगत सिंह कोश्यारी। इसी प्रकार हम पंजाब की बात करेंगे, पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। पंजाब के जो सीएम है कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह। और पंजाब के जो गवर्नर हैं वह हैं वीपी सिंह बदनौर, वीपी सिंह बदनौर। इसी प्रकार अगर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में जो उड़ीसा की जो कैपिटल है राजधानी वह है भुवनेश्वर। उड़ीसा में जो सीएम है वो है आपके नवीन पटनायक। और उड़ीसा में जो राज्यपाल है वह है गणेशी लाल। इसी प्रकार अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की तो पश्चिम बंगाल में जो पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। पश्चिम बंगाल में सीएम कौन है? ममता बनर्जी। और पश्चिम बंगाल के जो वो गवर्नर है वह है जगदीप धनखड़। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? नीचे कुछ कप दिए हुए हैं, वह किस खेल और वह खेल दिया हुआ है, इसमें हमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो हमारे ऑप्शन है ए हाफ मैन कप टेनिस से, बी अजल लान शाह कप हॉकी से, सी सुधीर रमन कप शतरंज से, या ऑप्शन नंबर डी उबेर कप बैडमिंटन से। दोस्तों जो इसमें सही ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी सुधीर रमन कप। यह सुधीर रमन कप यह जो है यह शतरंज से नहीं संबंधित है, यह संबंधित है बैडमिंटन से। किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। जो हाफ मैन कप है वह टेनिस से संबंधित है, अजलान शाह कप हॉकी से संबंधित है, और उबेर कप बैडमिंटन से संबंधित है। ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो सुधीर रमन कप है वह भी बैडमिंटन से संबंधित है। जो सुधीर रमन कप है वह इस कप का नाम डिक सुधीर रमन के नाम पर रखा गया था, और ये बैडमिंटन से संबंधित है। यह एक विश्व मिश्रित टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप है जो हर 2 साल में आयोजित होती है। कितने साल में? हर 2 साल में आयोजित होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है एलिशा हेली, जिन्होंने महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक रन बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है, वो किस देश से संबंधित है? हमारे ऑप्शन है ए भारत, बी कनाडा, सी जापान या डी ऑस्ट्रेलिया। जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। जो एलिशा हेली हैं वह ऑस्ट्रेलिया से संबंधित हैं। क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि जो आपको खिलाड़ी का नाम दे देगा और पूछेगा भैया ये आप किस देश से संबंधित हैं या किस गेम से संबंधित है, किस खेल से संबंधित है। तो इसमें बताया गया है कि ये नाम है एलिशा हेली वो किस देश से संबंधित, तो ये ऑस्ट्रेलिया से है। और इन्हीं के नाम महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक रन बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने। इन्होंने 148 रन बनाए थे, किसके खिलाफ? श्रीलंका के खिलाफ T20 में, या महिला T20 क्रिकेट में व्यक्तिगत रूप से सबसे बड़ा स्कोर है। अगर हम पुरुष की बात करें तो यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के ही एरोन फिंच के नाम है। किसके नाम है? ऑस्ट्रेलिया के एरोन फिंच के नाम।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है अपूर्वी चंदेल, क्या नाम है? अपूर्वी चंदेल किस खेल संबंधित है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए गोल्फ, ऑप्शन नंबर बी शूटिंग, ऑप्शन नंबर सी तीरंदाजी, ऑप्शन नंबर डी टेनिस। जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी शूटिंग से। जो अपूर्वी चंदेल है वह शूटिंग से संबंधित है। काफ़ी बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आप पूर्वी चंदेल या किसी खिलाड़ी का नाम दे देंगे वह किस खेल से संबंधित है। आजकल लगभग हर एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आप पूर्वी चंदेल शूटिंग से संबंधित हैं, और ये कहाँ से आती हैं, किस राज्य से आते हैं? ये राजस्थान से आते हैं। किससे? राजस्थान से, राजस्थान राज्य से आती हैं। और इन्हों जो है ये राइफल राइफल जो शूटिंग में है राइफल राइफल चलाती हैं। और इन्होंने 2019 में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। और इन्होंने ग्लासगो में 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक भी जीता था। चलिए भाई चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम में कितने खेल हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाता रहेगा। तो हमारे ऑप्शन है ए 15 गेम, बी 16, सी 18 या ऑप्शन नंबर डी 20 गेम। जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी 20। जो खेलो इंडिया यूथ गेम है उसमें 20 खेल सम्मिलित हैं। अब अगर हम बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की, तो यह इसकी शुरुआत कब हुई थी? 31 जनवरी 2018 को, 31 जनवरी 2018 को, तब इसको खेलो इंडिया स्कूल गेम्स कहा जाता था। बाद में इसका नाम खेलो इंडिया यूथ गेम रखा गया। इसमें जो 20 गेम है वह कौन कौन से हैं इसका भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें कौन कौन से हैं? आर्चरी है, एथलेटिक्स है, बैडमिंटन है, बास्केटबॉल है, बॉक्सिंग है, साइकिलिंग है, फुटबॉल है, फील्ड हॉकी है, जिमनास्टिक है, जूडो है, कबड्डी है, खो खो है, लॉ बॉलिंग है, शूटिंग है, तैराकी है, टेबल टेनिस है, वॉलीबॉल है, भारोत्तोलन है, कुश्ती है। और इसमें फुटबॉल के दो रूप होते हैं, एक महिला फुटबॉल एक पुरुष फुटबॉल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे बाइबल ऑफ क्रिकेट के रूप में जाना जाता है? हमारे ऑप्शन है ए जोहान्सबर्ग, बी ब्रिस्बेन, सी वेल्स या डी विजडन। जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी विजडन। विजडन को बाइबल ऑफ क्रिकेट के रूप में जाना जाता है। तो विजडन है यह एक यूनाइटेड किंगडम में प्रतिवर्ष प्रकाशित होने वाली पुस्तक है। क्या है? एक प्रतिवर्ष प्रकाशित होने वाली पुस्तक है। इसका पहली बार वर्णन 1930 के दशक में एलन वा द्वारा लंदन मरकरी की समीक्षा में किया गया था, और वर्तमान में भी इस पत्रिका का प्रकाशन हो रहा है, जिससे यह इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाली खेल वार्षिक पत्रिका हो गई है। ये जरूर याद रखिएगा। और इसी प्रकार ये जो क्रिकेट ऑफ बाइबल है, इसी प्रकार कहा जाता है क्रिकेट का मक्का। जो क्रिकेट का मक्का किसे कहा जाता है? लॉर्ड्स को। लॉर्ड्स ग्राउंड है वह भी इंग्लैंड में है, वह इसे क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, तो दोस्तों याद जरूर रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस टीम ने सबसे अधिक बार रणजी ट्रॉफी जीती है? हमारे ऑप्शन हैं ए विदर्भ, बी मुंबई, सी रेलवे या डी दिल्ली। जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी मुंबई। जो रणजी टीम रणजी ट्रॉफी है वह मुंबई ने सर्वाधिक बार जीती है, और यह ट्रॉफी लग 41 बार जीती। कितनी बार? 41 बार यह ट्रॉफी इन्होंने जीती है। और जो वर्तमान में इसका विजेता टीम है वह है सौराष्ट्र। 2020 में किसने जीती है यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो जो 2020 में जो रणजी ट्रॉफी है वह किस टीम ने जीती है? तो सौराष्ट्र ने जीती है। और वर्तमान में जो रणजी टीम में कितने खेल टीमें खेलती हैं वह 38 टीमें हैं।
ये भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कई बार घुमा के पूछ सकते हैं कि रणजी टीम में वर्तमान में कितनी टीम है, तो कितनी है, 38 टीम है। अगर रणजी टीम की बात करें तो यह एक घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट चैंपियनशिप है, और पहली बार जो ट्रॉफी इसका आयोजन किया गया था वो 1934 और 35 को किया गया था, 34-35 को, और तब यह जो ट्रॉफी है वह बॉम्बे ने जीती थी। बॉम्बे जो मुंबई का पहले नाम हुआ करता था बॉम्बे, ये पहली बार इसी ने जीती थी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है ए 17 सितंबर, बी 5 जुलाई, ऑप्शन नंबर सी 29 अगस्त, ऑप्शन नंबर डी 4 मई। जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी 29 अगस्त। 29 अगस्त को ही भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो ये 29 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि इस दिन जो हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी हैं मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस होता है, क्या होता है, जयंती होती है। इस दिन ध्यानचंद जी की जयंती होती है, उन्हीं के सम्मान में जो इस खेल दिवस को मनाया जाता है। ये हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी थे और इन्होंने 1928, 1932, 1936 में भारत के लिए 3 स्वर्ण पदक जीते थे, और इन्होंने 400 से अधिक गोल किए हैं हॉकी में, 400 से अधिक गोल किए हैं हॉकी में। और ये भारत के महान खिलाड़ी हैं, और इन्हीं के लिए, इन्हीं के सम्मान में ये जो राष्ट्रीय खेल दिवस है मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है, किस टेनिस स्टार के सम्मान में स्विस सिक्का ढाला गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों एग्जाम के व्यू से। तो चलते हैं देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए राफेल नडाल, बी नोवाक जोकोविच, सी रोजर फेडर, या ऑप्शन नंबर डी सेरेना विलियम्स। जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी रोजर फेडर। जो रोजर फेडर हैं उन्हीं के सम्मान में स्विस सिक्का ढाला गया है, स्विस सिक्का ढाला गया है। और ये जो अगर हम बात करें तो ये पहले जीवित व्यक्ति हैं, ये पहले जीवित व्यक्ति हैं स्विट्जरलैंड के जिनके सम्मान में या खेल विरासत के सम्मान में यह एक सिक्का ढाला गया। और यह भी पूछ सकते हैं कि यह सिक्का कितने का है, तो यह सिक्का 20 फ्रैंक का है, जो न्यूजीलैंड वो सॉरी जो स्विट्जरलैंड की जो मुद्रा है वह फ्रैंक है। तो 20 फ्रैंक का चांदी का सिक्का इनके सम्मान में ढाला गया है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए तीरंदाजी, बी स्क्वैक्स, सी तैराकी, ऑप्शन नंबर डी बैडमिंटन। जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए तीरंदाजी। दीपिका कुमारी हैं वह तीरंदाजी से संबंधित हैं। और ये भी पूछ सकते हैं कि ये किस राज्य से संबंधित हैं, तो ये दीपिका कुमारी जो हैं वह झारखंड के रांची से संबंधित हैं। किस राज्य से, झारखंड राज्य से संबंधित हैं, झारखंड में कहाँ, झारखंड की रांची से। और इन्हें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बन सकते हैं कि अर्जुन अवार्ड कब मिला? तो इन्हें 2012 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और 2016 में इन्हें पद्मश्री भी मिला है। कब, पद्मश्री 2016 में इनको पद्मश्री मिला, पद्मश्री, और 2012 में इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का हमारा ये इम्पॉर्टेंट जो खेल और उनसे जुड़े खिलाड़ियों के बारे में ये सेशन, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इसी तरह के वीडियो चाहिए तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।